शेरगढ़ पुलिस और थाना छाता पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया था, जिसमें अवैध शराब की फैक्ट्री होने की सूचना मुखबिर द्वारा मिल रही थी गांव सेनवा में, थाना शेरगढ़ में। और हमारी दोनों ही टीम, थाना छाता और थाना शेरगढ़ की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें एक फैक्ट्री पकड़ी गई है शराब बनाने की, जिसमें 692 अवैध नकली शराब के क्वार्टर मिले हैं, जो कि मस्ताना हरियाणा ब्रांड की है। और इसके अंदर 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें भूपेंद्र कल्ला और रमन कल्ला के घर पे ये फैक्ट्री थी गांव सेनवा में, और उसके पास से काफ़ी सामान मिला है जिससे दारू बनती थी। उसमें स्प्रिट हैं 3 कैन, उसमें हॉलमार्क हैं नकली, उसमें ढक्कन मिले हैं बहुत सारे, और एक कोनिया मिली है और 315 पर के 3 कारतूस मिले हैं, नकली होलोग्राम हैं, नकली रैपर हैं, खाली बोतल हैं, और इसके अलावा एक हाइड्रोमीटर है, पैकिंग मशीन है। तो पूरी सामग्री उनके पास थी जिससे वो दारू वहाँ बनाते थे, और ये गोरख धंधा वहाँ पर चल रहा था। तो इसके अंदर जो पूरी टीम थी थाना छाता की, थाना शेरगढ़ की, इनकी कठिन परिश्रम से, इनके मेहनत से ये सफलता मिली है, और इससे अंकुश लगता है जिस तरह की जो फैक्ट्रियाँ जो चलती हैं उनके हौसले पस्त होते हैं, और एक मैसेज जाता है अपराधियों में कि अब वो इस तरह की गतिविधियाँ चल नहीं पाएंगी। और इसका पूरा श्रेय जाता है प्रदीप कुमार थाना अध्यक्ष शेरगढ़ को और अरविंद मिश्रा थाना अध्यक्ष छाता को, और इनके साथ जो इनकी टीम थी जिसमें कांस्टेबल मानविंदर सिंह, सुधीर कुमार, अभिषेक कुमार, सुरेंद्र कुमार, वसीम, सोनू कुमार, लोकेश कुमार, योगेश कुमार और सोनवीर, और साथ में उपनिरीक्षक प्रवेंद्र कुमार, अनुज कुमार और मानविंदर को। तो एक पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, इसमें शराब की फैक्ट्री पड़ी पकड़ी गई है, और पूरा सामान जो जिससे बनाते थे वो सब मिला है, जिसमें होलोग्राम भी हैं, नकली रैपर है, खाली बोतल हैं, ढक्कन हैं, 2000 के करीब बारकोड हैं। तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, और इससे जितने भी शराब के धंधे में जो अवैध शराब की तस्करी करते हैं या किसी तरीके से फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं, तो उनके हौसले पस्त होते हैं और पुलिस का मनोबल बढ़ता है जब इसमें ही सफलता मिलती है। सब है यार, सब अलग अलग कमरे और एक तीन ही तो है।